दीपा सिंगल मुजफ्फरनगर जिले से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। बीस चलचित्र कहानी है। बच्चों आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं? गुड। क्या आपको इस चित्र में कौवा भी दिखाई दे रहा है? बच्चों ये शहर तो अभी भी है, लेकिन ये कौवा अब इस शहर में नहीं रहता। तो जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगी ना, आपको ये बताना है मुझे बाद में कि कौवे ने इस शहर में रहना क्यों छोड़ दिया। ठीक है? बच्चों एक कौवा था, वो एक बहुत बड़े शहर में रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसे कई दिनों तक खाने को कुछ भी नहीं मिला। उसने सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं भी वो खाना नहीं पा सका, क्योंकि उस शहर में पेड़ ही सारे कट चुके थे, पेड़ ही नहीं थे वहां पर। तो उसने देखा कि एक जगह कचरे का ढेर पड़ा है, कूड़ा कचरा। तो उसने उसके अंदर चोंच मारी ये देखने के लिए कि शायद इसमें कुछ खाना हो, लेकिन उसके चोंच में पॉलीथीन फंस जाती है। अब तो वो बहुत परेशान होता है, सिर हिलाता है ऐसे 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 कि किसी तरह से निकल जाए। फिर आखिर में अपने पंजे से बड़ी मुश्किल से खींच के वो पॉलीथीन को निकालता है। बड़ा परेशान हो जाता है, उसकी जान तो बचती है कम से कम। फिर वो कौवा सोचता है कि चलो खाना नहीं मिला, मुझे थोड़ा पानी मिल जाए। वो सब जगह देखता है, नदी में, नाले में, घड़े में, तालाब में, और उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सारे पेड़ कट गए थे तो बारिश नहीं होती थी। भाई बारिश होगी तभी तो पानी होगा। तो वो देखता है कि एक नाला बह रहा था, शायद इसमें कुछ पानी होगा। तो वहां जाता है तो उसमें गंदा बदबूदार कूड़ा भरा हुआ था। उस पानी को तो वो पी ही नहीं पाया। फिर वो कौवा सोचता है कि मैं देखता हूँ शायद कहीं कोई पेड़ हो, इतनी गर्मी है, धूप है, तो मैं उसके नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लूँ उसकी छांव में। और उसे कहीं भी दूर दूर तक कोई पेड़ नजर नहीं आया, सिर्फ मकान ही मकान बने हुए थे, और किसी किसी इमारत में से तो गंदा काला धुआं भी निकल रहा था। वो रास्ते के किनारे एक जगह थक कर बैठ जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, पी। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, एक गाड़ी धुआं छोड़ते हुए निकल जाती है उसके ऊपर। और जैसे ही वो सांस लेने के लिए मुंह खोलता है ना, उसके मुंह में धुआं भर जाता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। तभी दूर जंगल का एक मोर आता है उड़ते हुए, और वो देखता है कि बेहोश कौवा पड़ा। मोर सोचता है कि ऐसे तो ये मर जाएगा। वो कौवे को अपने पंजों से उठाता है और दूर घने जंगल में अपने घर ले जाता है। फिर मोर कौवे को पेड़ की घनी छांव में लिटा देता है और नदी से चोंच में अपनी थोड़ा पानी भर के लाता है और कौवे के ऊपर डाल देता है। तो कौवे को होश आ जाती है। कौवा पूछता है, मैं कहाँ हूँ? तो मोर कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें शहर से दूर घने जंगल में अपने घर ले आया हूँ। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लाता हूँ। फिर मोर थोड़ा और पानी लाता है और कौवे को पिला देता है। फिर मोर एक आम उठाता है पका हुआ और कौवे को खाने को देता है। उसे खाते ही कौवे में ताकत आ जाती है, क्योंकि कई दिन से भूखा था। तो कौवा खुशी से एकदम चिल्लाता है, काव 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 काव। और मोर भी खुश हो जाता है कि कौवा बच गया। तो मोर बोलता है, पीहू 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 पीहू, है ना, कितना अच्छा हुआ ना कौवा बच गया। फिर मोर पूछता है, कौवे भाई एक बात बताओ, तुम इतनी धूप में बाहर खुले में क्या कर रहे थे? तुम्हें तो अपने घोंसले में होना चाहिए था। तो कौवा कहता है, भाई बहुत दुख की बात है, मैं क्या बताऊं, जिस पेड़ पर मेरा घोंसला था उसे आदमी ने काट दिया और मेरा घोंसला नीचे गिर गया और उस जगह पे उसने अपना मकान बना लिया। मोर कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ, अब ये बताओ तुम इतने दुबले क्यों हो गए? कौवा कहता है, शहर में हम पक्षियों के लिए ना खाना है ना ही पानी है, सारे पेड़ तो आदमी ने काट दिए और नदी नालों में कचरा भर दिया, अब हम ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। मोर कहता है, ओहो ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ, अच्छा अब तुम क्या करोगे? कौवा कहता है,
अब क्या करें, शहर में तो हवा भी बिल्कुल जहरीली है, जहाँ देखो काला गंदा धुआं। मोर कहता है, भाई अब तुम शहर में मत जाना, अब तुम हमारे साथ हमारे जंगल में रहना। कौवा कहता है, लेकिन मोर भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि आदमी हमारे इस जंगल में आ जाए और इसको भी गंदा कर दे। मोर कहता है, चलो भाई हम दोनों ना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आदमी के पैर कभी भी हमारे इस जंगल में ना पड़े। तो बच्चों बताओ, कौवा उस शहर को छोड़कर क्यों चला गया? हाँ, गंदगी भी थी और न खाना था न पानी था, घर था उसका वहाँ। घर कहाँ चला गया, उसका घोंसला कहाँ गया? पेड़ काट दिया था। अच्छा बच्चों, कितनी दुखी बात है ना कि कोई को अपना घर छोड़ना पड़ा। क्या हम उस कोई को वापस ला सकते हैं शहर में? हाँ बेटा, खड़े होकर बताओ कैसे ला सकते हैं? अगर शहर में साफ सफाई हो, और खाना हो, पानी हो, खड़े भी बोलो, पानी हो, साफ सफाई हो, तो हम दोबारा से कोए को शहर में ला सकते हैं। तो आप कोशिश करोगे ना लाने की? बस बेटा, यही संदेश है इसका।